today we are going to, to do the exercise of unit number 15 changes clothes write date class work day on the top of your notebook uh, isi se, yaha unit number 15 and write the title that is changes clothes ओके देन राइट क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स और फर्स्ट ब्लैंक है आपकी डैश पीपल लाइक टू वीअर लूज क्लोथ्स कौन से लोगों को खुले कपड़े पहनना पसंद था ग्रीक पीपल ठीक है ग्रीक लोगों को ग्रीस में जो लोग रहते थे उनको ठीक है द पीपल ऑफ सिंध व द फर्स्ट टू ग्रो डैश सबसे सिंध के लोगों ने सबसे पहले क्या उगाया था वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने उगाया था क्या उगाया था कॉटन ठीक है इंग्लिश पीपल लिव्ड इन इंग्लैंड अबाउट डैश यर्स अगो तो इंग्लिश लोग जो है वो इंग्लैंड में कब रहते थे फोर हंड्रेड ईयरस अगो ओके पीपल कवर देयर बॉडीज़ वैश और डैश इन ओल्डर टाइम्स पुराने वक्तों में लोग किस तरह अपनी बॉडी को कवर करते थे लीव से और एनिमल स्किन से डैश मेड ऑफ क्लोथ हैव नॉट ऑलवेज रिमेंड द सेम क्या चीज़ जो कि कपड़े से बनती थी वो हमेशा सेम नहीं रही वो क्या है dresses ठीक है uh, ये आपको अभी आप लोग uh, वीडियो से बहुत ही तरीके से इसको समझ लें और मैं आपको इसके साथ uh, इस लेक्चर की पिक्चर भी भेज दूंगी ताकि आपको लिखने में मुश्किल ना हो ठीक है देन क्वेश्चन नंबर टू पुट अ टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट क्या है पहली स्टेटमेंट है द फार्मर्स ऑफ मोइोद दारो वर्ड द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन सो इट्स ट्रू सबसे पहले मोइोदारो के जो फार्मर्स थे उन्होंने कॉटन को उगाया था द एंशियंट पीपल कवर देयर बॉडीज विद क्लॉथ पुराने वक्तों में लोग अपनी बॉडी को कपड़ों से कवर करते थे नहीं क्रॉस वो किससे कवर करते थे लीव्स और एनिमल्स किन से पीपल लिव इन इंग्लैंड अबाउट फोर हंड्रेड यर्स अगो सो ये लोग जो इंग्लैंड में लोग रहते थे इंग्लिश पीपल वो चार सौ साल पहले रहते थे इट्स ट्रू ग्रीक पीपल लाइकड बिग कॉलर्स ग्रीक लोगों को बड़े कॉलर्स पसंद थे तो ये फॉल्स है हमने पा था ना कि स्पेनिश लोगों को बड़े बड़े कॉलर्स पसंद थे ठीक है पीपल लिव्ड इन केवस इन एंशन टाइम पुराने वक्तों में लोग गारों में रहते थे ठीक ये ठीक है ठीक है तो आपने ये इन द ब्लैंक्स और फॉल्स अपनी कॉपी पर नीटली कर लेने हैं मैं आपको इसकी पिक्चर भेज दूँगी ताकि आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम ना हो ठीक है बहुत नीटली काम कीजिएगा ड नॉट फेट टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स ऑन बोथ साइड ऑफ़ योर कॉपी और उसके अलावा डेट डे दे और क्लास वर्क भी लिखिएगा काम को बहुत नीटली कीजिएगा और कल हम इनशाला इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ठीक है الله حافظ